भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल समाप्त हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के 3 माह समाप्त हुए हैं। मित्रों, ये 3 साल के अंदर देश की जनता बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही है। जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके पहले एक माहौल था, एक ऐसी सरकार 10 साल तक चली जिसमें हर महीने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम्स उजागर होते थे। करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले देश की जनता के सामने आए हुए थे। और उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो सरकार 3 साल से चल रही है। 3 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले यूपीए की कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार जो चल रही थी, वो सरकार के लिए कहा जाता था कि इसको पॉलिसी पैरालिसिस हुआ। सरकार के हर विभाग का मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इसकी जगह हमने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। अगर सरकार की उपलब्धियों को मैं गिनाने जाऊं तो बहुत सारा समय लगेगा, इतना समय होता नहीं है प्रेस वार्ता में, परंतु नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक विशेषता यह रही कि 50 साल में जो सरकारें 1, 2, 3 काम ऐसे करती हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, इस सरकार ने 3 साल में 50 काम ऐसे किए हैं जो महत्वपूर्ण। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सभी तरह से गिरी हुई व्यवस्था हमें मिली थी, इसके बावजूद भी 3 साल के बाद आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र भारत बना है, ये पूरी दुनिया स्वीकार कर। शेयर बाजार उसके सबसे ऊंची ऊंचाइयों को छूकर सर्वोच्च के शिखर के अपने रिकॉर्ड अपने आप तोड़ रहा है और सभी प्रकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेंटेन किए हैं। ये सरकार ने जब सरकार की रचना हुई, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, वंचितों की सरकार होगी। इस सरकार ने आने के बाद गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे कदम लिए हैं। 5 करोड़ ग्रामीण गरीबों को एलपीजी का सिलेंडर देने का लक्ष्य तय किया गया और इसमें से लगभग 2,60,00,000 लोगों को सिलेंडर देने का काम समाप्त कर दिया गया। बीमा सुरक्षा के माध्यम से करोड़ों लोगों को बीमा की सुरक्षा चक्र दिया गया। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7,64,00,000 युवाओं को, बेरोजगार गरीब युवाओं को स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 10,000 से लेकर 10,00,000 का लोन विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर देने का काम किया गया है। एक देश एक कर का स्वप्न काफी समय से देश की जनता देख रही थी। सभी पार्टियों को, सभी दलों की सरकार को, सभी राज्यों को संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप साथ में लेकर जीएसटी को लागू किया गया है और आज एक देश एक कर का स्वप्न साकार हुआ हुआ दिखाई पड़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना है
जिसने पूरी दुनिया में देश को एक मजबूत इरादे वाले देश करकर पहचान दी। सर्जिकल स्ट्राइक करकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के सामने एक संदेश रखा है कि हम हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर भी है, जागरूक भी है और अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हमें परहेज नहीं। वन रैंक वन पेंशन का मामला सन 73 से डिमांड चली आ रही थी, किसी भी सरकार ने सीमाओं पर बर्फीली चौकियों पर रण के रेगिस्तान में अपनी जवानी गलाते हुए जवानों को लिए संवेदना से नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन का मामला समाप्त कर देश के फौज के जवानों के मोरल को बढ़ाने का काम किया है और उनके त्याग और बलिदान को एक प्रकार से सम्मानित करने का काम किया है। इसरो पहले भी काम करता था, आज भी काम कर रहा है। पहले एक उपग्रह, दो उपग्रह, तीन उपग्रह छोड़े जाते थे, एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष के अंदर स्थित कर भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में ग्लोबल लीडर कर उपसा है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पिछड़ा समाज के लोग काका साहब कालेलकर रिपोर्ट से 1955 से लेकर आज तक मांग करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा सम्मान करने का काम किया है। देश के 19,000 के करीब गांवों में बिजली नहीं थी, पहले ही लाल किले के भाषण से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सन 18 के मई के तक इस सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मुझे कहते हुए आनंद होता है कि 13,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हुआ है और मई 2018 के पहले 19,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इस देश के गांव में जो गरीब रहते हैं, दलित रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वंचित रहते हैं, उनके घर में शौचालय नहीं है, ये पीड़ा को देश की कोई सरकार ने अब तक महसूस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार के माध्यम से और जितने भी सरकारी उपक्रम मुनाफा करते हैं उनके मुनाफे में से हिस्सा निकालकर शौचालय बनाने का निर्णय किया और लगभग 4.5 करोड़ शौचालय देश के गरीब के घर में बनाने का काम समाप्त हो गया। काले धन पर इस सरकार ने श्रेणीबद्ध कदम उठाकर एक कठोर प्रकार की मुहिम का आगाज किया है। सबसे पहले SIT बनाई, मॉरिशियस, सिंगापुर, ये सारे रूट जहां से काला धन आता था उसको बंद कर दिए गए। उसके बाद में नोटबंदी के माध्यम से अरबों खरबों का काला धन जो धन कुबेरों के घर पे पड़ा था वो आज व्यवस्था में आया है। उसके बाद बेनामी संपत्ति का कानून बनाकर हम आए और बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कठोर कार्यवाही कर पाए, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया। सेल कंपनियों पर एक बहुत बड़ा अभियान लेकर उसको बंद करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात कि चुनावी राजनीति को काले धन की गिरफ्त में से छुड़ाने के लिए जो राजनीतिक दलों का चंदे लेने की मर्यादा 20,000 थी कैश की, उसको घटाकर 2,000 कर दिया गया। मैं मानता हूं मित्रों कि आजादी के बाद काले धन के लिए इतना बड़ा श्रेणीबद्ध वैज्ञानिक तरीके से कभी स्टेप्स नहीं उठाए गए। योगा दिन के माध्यम से भारत की संस्कृति और भारत के पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने किए हुए आविष्कार को पूरे विश्व में सम्मान मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक UN असेंबली के सामने अपील की थी और पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार कर दिया। 3 साल से
21 जून को आज पूरी दुनिया योगा दिन मना रही है और भारत की संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में ऊंचा उठा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंदर जिस प्रकार की लीड भारत सरकार ने ली, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने ली, इसके कारण जलवायु के क्षेत्र के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र के अंदर आज भारत एक वैश्विक नेतृत्व दे रहा है, ग्लोबल लीडर बनकर उपसा है। जेनेरिक दवाओं के हजारों स्टोर देश भर में खोलकर उसका जाला बुनकर इस देश के गरीबों के स्वास्थ्य लाभ करने का अधिकार भी इस सरकार ने दिया है। 30% से 180% तक दवाइयों के दाम जेनेरिक दवा के कारण सस्ते हुए। जब दिल का मरीज इलाज कराने के लिए जाता था और स्टेंट के भाव सुनता था तो उसी को बेचारे को भाव सुनकर ही हार्ट अटैक आ जाता था। 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक स्टेंट की कीमत थी। आज उसके साथ नेगोशिएशन करकर ज्यादा मुनाफाखोरी को रोककर 7,000 से लेकर 40,000 रूपये तक का स्टेंट कर करोड़ों गरीबों को अपने स्वास्थ्य का लाभ करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कृषि के क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड, खाद के दाम कम करना, खाद की उपलब्धि बढ़ाना, नीम कोटेड यूरिया देना, रिलीफ की सारी पैरामीटर्स को एक्सपांड कर रिलीफ को अनेक गुना बढ़ाना, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, ई मंडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, मैं मानता हूं ऐसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का साहस आजादी के बाद आज तक किसी ने नहीं किया। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सरकार है सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ी थी, मगर हमारी योजनाएं और हमारी सहायता जनता तक नहीं पहुंची। राज्य में योगी सरकार, भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और अधिकता के साथ उत्तर प्रदेश को सहायता करने के लिए आगे बढ़ी है। मैं सिर्फ 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग का डिफरेंस आपको सुनाना चाहता हूं। 13वां वित्त आयोग जो यूपीए सरकार को रिप्रेजेंट करता है, उसमें केंद्रीय करों में यूपी का हिस्सा था 2,80,467 करोड़ 5 साल में, और 14वां वित्त आयोग जो एनडीए की सरकार का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का कालखंड है, उसमें 2,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,10,000 करोड़ किया गया है, 2.5 गुना बढ़ाया गया है, मतलब 5 साल में 4,30,499 करोड़ की बढ़ोतरी करने का काम किया है। अनुदान सहायता जो पहले 24,000 करोड़ मिला करती थी उसको बढ़ाकर 48,000 करोड़ करने का काम किया है, मतलब 2 गुना किया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें 1,597 करोड़ रुपया, लगभग 1,600 करोड़ रुपया मिलता था, अब 2,797 करोड़, मतलब 2,800 करोड़ रुपया दिया है, 1.5 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई। लोकल बॉडीज ग्रांट के अंदर पहले सिर्फ 523 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया जाता था, अब लोकल बॉडी ग्रांट के अंदर 46,026 करोड़ रुपया दिया जाता है, मतलब 88 टाइम बढ़ोतरी हुई। इस सारों का योग मिला दे तो 4,77,805 करोड़ रुपया 5 साल में उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ केंद्रीय योजनाओं में मुद्रा लोन में 72 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है, स्मार्ट सिटी में 571 करोड़, वाराणसी मथुरा हृदय के लिए 129 करोड़, अमृत मिशन के तहत 161 शहरों में 11,421 करोड़, गोरखपुर यूरिया प्लांट 6,000 करोड़, बनारस के 8 हाईवे 8,000 करोड़, काशी पैकेज 572 करोड़, बनारस ट्रॉमा सेंटर 150 करोड़, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट 617 करोड़, रेल विकास के लिए 36,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 168 करोड़, नमामि गंगे के लिए 3668 करोड़, गंगा सीवरेज के लिए 7,400 करोड़, लखनऊ मेट्रो के लिए 6,880 करोड़, नेशनल वाटरवे के लिए
69 करोड़, एकलव्य मेडिकल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 700 करोड़, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्य के लिए 7 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 200 करोड़, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए 136 करोड़, ढेर सारे ऐसे हैं, मैं कुछ ही पढ़ता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 2100 करोड़, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 6 करोड़, आईपीडीएस योजना के लिए 1000 करोड़, सिंचाई सुविधा के लिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए 2900 करोड़, मार्ग का चौड़ीकरण के लिए 7500 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में सरफेस सोर्स आधारित पेयजल के लिए 2600 करोड़, नगरीय क्षेत्र में पेयजल के लिए 2300 करोड़ और बोरिंग रिचार्ज और चेक डैम के लिए 500 करोड़। कुल मिलाकर अतिरिक्त 4,77,00,000 करोड़ के अलावे 1,39,052 करोड़ रुपया अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को सहायता दी है। प्रधानमंत्री जनधन खाते लगभग 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में खुले हैं, 25 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है और उज्ज्वला योजना के तहत 59 लाख एलपीजी कनेक्शन देने का काम हो गया है और उज्ज्वल डिस्कॉम योजना के तहत 33,000 करोड़ और दे दिए गए हैं। ये सब का अगर योग करते हैं तो 6,57,219 करोड़ रुपया ये 3 वर्ष में दे दिए गए हैं। मैं पहले जो 4,77 बोला उसका डिवाइडेड बाय 5 करकर मल्टीप्लाई बाय 3 करकर 3 साल में नेट दिए गई राशि है 6,57,219 करोड़। पहले जो मिलता था इससे 2.3 टाइम ज्यादा यूपीए सरकार ने जो उसको दिया था उससे ज्यादा है।